डॉन 3 से आया बहुत ही बड़ा अपडेट सामने। रणवीर सिंह ले सकते हैं शाहरुख खान की जगह डॉन 3 में। जी हाँ दोस्तों, डॉन 3 से डेली कोई ना कोई अपडेट हमको सामने देखने को मिलती है और जिसको लिए फैंस भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है कि ये जो फिल्म है वो डॉन 3 का जो लीड एक्टर है वो कौन हो सकता है। इसी बीच एक और बहुत ही बड़ी अपडेट हमको सामने दिखाई दे रही है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि शाहरुख खान की जो जगह है वो डॉन 3 के पार्ट के अंदर रणवीर सिंह ले सकते हैं। बात करें शाहरुख खान की, तो पठान की अपार सफलता के बाद शाहरुख खान ने जो अपने आने वाले प्रोजेक्ट के ऊपर ध्यान देना ज़्यादा बेहतर समझा है, वो उसी फिल्मों को लेके काम करना चाहते हैं। वहीं बात करें पठान के बाद जवान की, तो जवान की भी चर्चा मार्केट के अंदर काफी तेजी से हो रही है और डेली कोई ना कोई अपडेट जवान से भी सामने आ रही है कि शाहरुख खान जो है इसकी प्रमोशन में, इसके शूटिंग में लगे हुए हैं, पूरी जी जान से मेहनत से जुड़े हुए हैं इस फिल्म को हिट बनाने के लिए पठान की तरह। वहीं एक रिपोर्ट की माने तो फरहान अख्तर जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है, इन्होंने बोला है कि डॉन 3 के जो तीसरा जो पार्ट है उसके लिए नए एक्टर के साथ वो काम करना चाहते हैं। वहीं एक रिपोर्ट की और बात करें तो डॉन 2 में शाहरुख खान के साथ प्रियंका चोपड़ा मेन लीड रोल में आपको नजर आई थी और प्रियंका चोपड़ा और एसआरके की जो जोड़ी है वो कुछ खास अच्छी नहीं चल रही है, क्योंकि अभी हाल ही में प्रियंका चोपड़ा ने काफी कुछ बताया शाहरुख खान के बारे में और उनके रिलेशन के बारे में। तो इन दोनों का जो जोड़ी है वो हमको डॉन 3 के अंदर देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है और यही अपडेट सामने आ रही है कि इसके अंदर रणवीर सिंह जो है वो डॉन 3 के अंदर मेन लीड रोल में काम कर सकते हैं और इनके साथ एक्ट्रेस कौन होगी वो अभी फाइनल नहीं किया गया है। और फरहान अख्तर का साफ साफ कहना है कि ये जो नया पार्ट है तो नए स्टार के साथ ही वो प्लानिंग कर रहे हैं इस फिल्म को प्रोड्यूस और डायरेक्ट करने के लिए। वैसे रणवीर सिंह भी इस फिल्म के अंदर काम करते हैं तो वो काफी अच्छी फिल्म मानी जाएगी, क्योंकि रणवीर सिंह भी कोई छोटे मोटे स्टार नहीं है और रणवीर सिंह के फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड है जब से ये इन्फॉर्मेशन उनको मिली है। फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड इसलिए भी नजर आ रहे हैं क्योंकि वो इसके तीसरे पार्ट का वेट कर रहे हैं। डॉन 3 की जो फ्रेंचाइजीज है वो भी डॉन 3 को लाने के लिए काफी जोरों शोरों से मेहनत कर रही है। वहीं जबकि डॉन 2 की अगर बात करें तो उस फिल्म का जो बजट था वो 76 करोड़ था और फिल्म ने 200 करोड़ से ज्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था, इसीलिए और भी काफी ज्यादा एक्साइटेड है इस फिल्म को लाने के लिए। बाकी दोस्तों आपको यह इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमको कमेंट करके जरूर बताएं।